Una gestión de la. जी गुरु जी प्रणाम। राजू हरि गोविंद हरि गोविंद बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर मांग की रेखा पार्श्वगामी कब होती है हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है पढ़े थे ना उमेश चंद्रा है? जी सर जी सर अब हम लोग पढ़े कि मांग की रेखा पार्श्वगामी होती है मूल्य के घटने पर मांग घट जाती है मूल्य के घटने पर मांग घट जाए ऐसा घटिया वस्तु के संदर्भ में होता है घटिया वस्तु को इंफीरियर गुड्स कहते हैं गिफेन गुड्स कहते हैं उपभोक्ता की ये विशेषता होती है कि घटिया वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है इसलिए घटिया वस्तु की मांग की रेखा जो है वो पार्श्वगामी हो जाएगी बैकवर्ड स्लोपिंग गिफेन महोदय ने इसे स्थापित किया है पार्श्वगामी मांग की रेखा बैकवर्ड स्लोपिंग होती है
मांग की लोच का, मांग की रेखा पर असर पड़ता है। नमक की मांग की लोच शून्य होती है। तो मांग की रेखा, नमक की मांग की रेखा लंबवत होगी। जिस वस्तु की मांग की लोच अनंत होती है, इन्फिनिटी, उसकी मांग की रेखा होरिजेंटल होगी, क्षैतिज, समानांतर, एक्स एक्सिस के समानांतर होगी। मांग की रेखा नमक का लंबवत होगी। और जिस वस्तु की मांग की लोच अनंत होती है, उसकी मांग की रेखा हॉरिजॉन्टल होगी। और घटिया वस्तु अगर है, गिफन गुड्स है, तो मांग की रेखा बैकवर्ड स्लोपिंग होगी, पार्श्वगामी होगी। इसको स्क्रीन पर देखेंगे। Thank you.
राजू जी सर, पार्श्वगामी मांग की रेखा टॉपिक का नाम हो जाएगा, पार्श्वगामी मांग की रेखा। ओके सर। गिफ्ट वस्तु। प्रणाम सर। खुश रहो। गिफ्ट वस्तु घटिया वस्तु है। गिफ्ट वस्तु घटिया वस्तु है। गिफेन महोदय का कहना है कि कीमत गिफेन वस्तु घटिया वस्तु है। गिफेन महोदय का कहना है कि कीमत घटने पर घटिया वस्तु की मांग कीमत घटने पर घटिया वस्तु की मांग घट जाएगी। कीमत घटने पर घटिया वस्तु की मांग घट जाएगी। लिख लिए? जी सर। पार्श्वगामी
पार्श्वगामी, पार्श्वगामी मांग की रेखा। दस मूल्य पर पचास मांग होती है, जबकि पांच मूल्य पर तीस मांग होती है। घटिया वस्तु है। लिख लिए? जी सर। यस सर। यस सर, लिख लिए। मान लीजिए नमक है, तो इसकी मांग की लोच जो है शून्य है, तो मांग की रेखा जो है लंबवत है, लंबवत मांग की रेखा। नमक मांग की लोच जो है शून्य है, लिख लिए? जी सर। अगर
मांग की लोच अनंत है, इन्फिनिटी। तो मांग की रेखा हॉरिजॉन्टल समानांतर ओ एक्स एक्सिस के समानांतर होगी। Elasticity of demand infinity. लिख लिए? जी सर। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि मांग की रेखा सदैव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर दाहिनी ओर जो कि नहीं होगी। डिफेन वस्तु घटिया वस्तु मांग की रेखा पार्श्वगामी मांग की रेखा पार्श्वगामी रेखा होगी। लिख लिए? जी सर। मांग की रेखा अति आवश्यक
वस्तु मांग की रेखा अति आवश्यक वस्तु नमक वर्टिकल होगी मांग की लोच अनंत रहने पर मांग की रेखा हॉरिजॉन्टल होगी That's all. लिख लिए जी सर हो गया